लॉकडाउन के बीच बागपत का नाम रोशन करने वाली खबर सामने आई है, जहां बागपत के 3 लाल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किए गए हैं। एनडीए पास आउट के बाद तीनों लाल आज लेफ्टिनेंट बन गए हैं, जिनको कल देहरादून में सैन्य अधिकारियों ने बेंच लगाए। बागपत अधिकारियों का नाम रोशन करने वाले तीनों हीरो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका तीनों का सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। दरअसल बागपत जनपद के गांव लुहारी, शाहपुर, बड़ौली और बिहारीपुर वो गांव हैं जिनके 3 बेटे सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। देहरादून रक्षा अकादमी की पासिंग आउट परेड में तीनों को बैच लगाए गए। तीनों एनडीए के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं, जहां 3 साल तक पहले इन्होंने पुणे खड़क वासला में सैन्य प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद देहरादून रक्षा अकादमी में 1 साल प्रशिक्षण के बाद लेफ्टिनेंट बने। सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले एक शाहपुर बड़ौली गाँव के रहने वाले शुभम तोमर हैं, जिनके पिता जगपाल सिंह खुद मेजर पद से रिटायर्ड हैं, जबकि दादा कैप्टन रह चुके हैं और पूर्व फौजी संगठन के अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरे नवनियुक्त लेफ्टिनेंट लुहारी गांव के रहने वाले अरविंद दांगी हैं, जो किसान परिवार से हैं, जबकि तीसरे बिहारीपुर गांव के मनीष तोमर हैं, जिनके पिता बीएसएफ में एसएएसआई हैं। वहीं बागपत का गौरव बढ़ाने वाले तीनों बेटों पर परिवार वालों को गर्व है, सभी परिवारों में खुशी का माहौल है। मेरा नाम कैप्टन रणपाल सिंह, शाहपुर बड़ौली का रहने वाला हूँ और मैं अपने गांव का अध्यक्ष भी हूँ भूतपूर्व सैनिकों का। और मैं उस लड़के के बारे में, वो पोता लगता है और उसके बारे में पहले से जानता हूँ। वो बहुत मेहनती था और 4 साल से वो लगातार मेहनत कर रहा था और उसका सिलेक्शन पूना के अंदर हो गया और फिर अभी ट्रेनिंग पास आउट के लिए देहरादून के अंदर, वहाँ उसके पिता भी बुलाए गए और उसकी माँ भी, वे सब बुला करके और उसको आशीर्वाद दिया गया। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव का एक लड़का ऑफिसर सेलेक्ट हो गया। मेरा नाम मीनू राणा है। क्या हुआ है आपके घर में, खुशी मनाई जा रही है, किस लिए मनाई जा रही है? मेरे भाई कजन आर्मी में 3 साल से ट्रेनिंग पे थे, अब वो लेफ्टिनेंट हो चुके हैं, तो हम उस वजह से घर में खुशियां मना रहे हैं। हमें बहुत फख्र है कि वो इतने अच्छे तरह से ट्रेनिंग की और अब लेफ्टिनेंट हो चुके हैं। कब से वो तैयारी कर रहे थे? वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे। अगर वो छुट्टियों में घर भी आ गया तो वो तैयारी यहाँ पे भी करता था। बहुत मेहनती लड़का था।